बहुत ही गंदा तेरी पिट हो खर्चा गए। अकेले में पिट लो, हम लोग सबसे साइकिल बेटर। लगा देंगे, तू पिटते रहेगी। तेरी साइकिल बहुत देर पहले चोरी हो गई, जब तू रख के गया ना तभी हो गई। बाद में पता चलेगा बेटा, और पिटोगे, पेट में मुक्के पड़ेंगे। चल दादी भी एक सीन है। अरे हमें कुछ डाला, अरे डाला, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं खोया साइकिल। मोबाइल तो दे। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार मैं ये जो इंट्रो है ये शूट कर रहा हूँ कोचिंग में आके, क्योंकि ना घर पे हमारा जो घर है वो पूरा भरा हुआ है। ये घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिसमें से कि मेरी एक बहन आई हुई है, दो भांजी आए हुए हैं, तो घर पूरा भरा हुआ है, बच्चों से पूरा घर भरा हुआ है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आके इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। और जो है मैंने आज एक तगड़ा प्लान सोचा है कि मैं जाऊँगा अभी घर और गोलू की साइकिल लाऊंगा, और गोलू की साइकिल लाके ना कोचिंग में छिपा दूंगा। और उससे बोलूंगा कि मतलब मैं उसको ना बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साइकिल को ना घर के बाहर लाके ऐसे मत रखेगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वो सही नहीं है, तो साइकिल चोरी हो सकती है। तो मेरी बात नहीं मानता, घर के बाहर लाके मतलब सुनसान रहते के लिए, और घर के बाहर लाके ना साइकिल को ऐसे ही खड़ा करके चला जाता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसकी साइकिल मैं लाके कोचिंग में रख दूंगा और बोलूंगा तेरी साइकिल चोरी हो गई है ना। फिर वो देखते उसका रिएक्शन कैसा आता है, और उसके पापा जो है उसकी हालत खराब कर देंगे। मैं उसको डराऊंगा बहुत कि अब देखिए तेरे पापा तेरी हालत खराब कर देंगे, देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल अभी चलते हैं और उसकी साइकिल लेके आते हैं। चलो भाई, गोलू ने घर के बाहर खड़ा कर रखा है, मैं फटाफट साइकिल लेके जाता हूँ और इसे ना कोचिंग में छिपा के आता हूँ। चलो कोचिंग तक इसी ले आया, फटाफट इसको अंदर रखने चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अंदर ला के रख दिए, अब देखना वो ढूंढ ढूंढते पागल हो जाएगा। तो गाइस अभी घर जा रहा था, घर जाते मैंने दो फ्रूटी ले लिए, क्योंकि जो दोनों भांजी आई हुई है, एक का नाम मिस्टी है और एक का नाम पीयू है, वो दोनों बहुत देर से फ्रूटी के लिए बोल रहे थे। तो फ्रूटी मुझे मिल रही थी, काफी देर के बाद मिली है। फिलहाल अभी चलते हैं, उन दोनों को फ्रूटी देते हैं और देखते गोलू का रिएक्शन कैसा आता है साइकिल को लेके। ये लो, ये है मिस्टी और ये है पीहू। देखो दोनों जुड़वा लगते हैं एकदम, मजा आ रहा है ना। देखो दोनों जुड़वे लगेंगे। ये इसका नाम है पीहू और ये है मिस्टी। देखो दोनों जुड़वे हैं। पर एक एक साल का गैप है दोनों में, पर लगता नहीं है, हाइट भी सेम है। दोनों खड़े हो ना एक साथ, दोनों सेम ही है और दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों कपड़े भी सेम पहनते हैं। कपड़े भी हमेशा सेम ही पहनेंगे, और कपड़े सेम नहीं पहनेंगे तो सारे एक दूसरे का फाड़ देंगे। हाँ, एक दूसरे का फाड़ देंगे, लड़ाई करते हैं बहुत। गाइस अभी हम जा रहे थे कहीं और गोलू ने घर के बाहर साइकिल खड़ा करके रखा था, अब इसकी साइकिल मिल रही नहीं है। दांत क्यों फाड़ रहा है? तेरा पापा तो ये देगा बेटा खर्चा पानी। साइकिल मिल रही नहीं है, साइकिल ढूंढ बेटा। तेरा पापा देख सामने ही खड़ा है, तेरे पापा को पता चला ना बेटा धोएगा अच्छे से ढंग से, पिलाई होगी। जल्दी ढूंढ साइकिल कहाँ है, कहाँ रखा था साइकिल? ओए नीचे कहाँ पे रखा था, कहाँ पे रखा था इसने साइकिल? नमन ये पागल है, ये साइकिल वाइकल सही से रखे कर। मैंने तो 10 बार समझाया कि साइकिल घर के बाहर मत रखे कर, हमारे यहाँ का इलाका तू जानता है कैसा है, तब भी तूने यहाँ पे साइकिल रख रखा है। ले अब ढूंढ कहाँ है साइकिल, कॉलोनी में ढूंढ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लेके रफू चक्कर हो जाते। एक बार याद नहीं है तेरे पापा की बाइक लेके निकल गए थे, याद है तुझे? जो पिछली वाली बाइक थी, पिछली वाली बाइक जो पैशन थी, वो सुबह सुबह लेके गायब हो गए थे। लॉक थी, जबकि वो लॉक थी तब भी वो गायब हो गए थे, उठा के लेके चले गए। और ये तो तेरी साइकिल है जो कि तूने लॉक भी नहीं लगाई थी, वो बाहर रखी हुई थी। मैं तो ये इतने दिन से समझा रहा था कि साइकिल को ऐसे मत रखे कर घर के बाहर, गली में कोई रहता नहीं है, इतने धूप में कौन रहेगा बाहर, सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं। ढूंढ कहाँ है, फटाफट चल। कहाँ पे रखा था इसने, कहाँ पे रखा था? बेवकूफ है ये, अब ढूंढो, यहाँ से चलते ये वाली गली, क्योंकि सुनसान है। अगर लेके जाने वाला होगा ना तो यहाँ से लेके जा सकता है। यहाँ पे कोने वोने में देखो कहीं पे कोई घुसड़ घुसड़ के रखा हो, क्योंकि सीढ़ी वीढ़ी के नीचे भी घुसड़ के रख सकता है। यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत शैतान होते हैं, इतना मना करता हूँ जहाँ तक साइकिल मत रखे करो। इन सब जगहों में कहीं पे घुसड़ घुसड़ के रख सकते हैं, इन सब जगहों पे देख, मेनली साइकिल के ये जो है ना मोटरसाइकिल के बीच बीच में, खासकर पन्नी वनी से ना बंद करके रखा हो। कहाँ पे, कहाँ पे? वो किसी और की है, ग्रीन कलर की है, तो हर ग्रीन कलर की साइकिल इसकी थोड़ी ना होगी, चोरी हो चुकी है। अब भाई मुझे लग रहा है मुश्किल ही मिलेगी, अब तो तुम्हारे पापा तुम्हें कूटेंगे। इसको बोल रहे थे ये वाली, ये थोड़ी ना है, कितना डिफरेंट है ये। पार्क के अंदर थोड़ी ना छिपा के रखा होगा, तुम पार्क के अंदर ढूंढ रहे हो। मुझे तो लग रहा है यार मिलने से रही, या तो मैं बोल रहा हूँ तुम भी किसी को उठा ले जाओ, ये देखो तुम भी किसी की अंटा लो। अब देख मिलता, मिलनी तो मुश्किल से रही, क्योंकि अगर किसी ने चोरी किया होगा, नहीं किसी ने अगर चोरी किया भी होगा तो वो घर के नीचे तो रखेगा नहीं, या तो घर के अंदर होगा है ना, या तो छत के ऊपर होगा, तो भूल जाओ कि मुश्किल ही तुम्हें मिलेगा। भाई साहब पूरा ढूंढ ढांड के आ गए पर कहीं पे साइकिल मिला ही नहीं, अब पता नहीं ये क्या करेगा। मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जाओ
और अपने पापा को बोलो भाई अब थोड़ा बहुत तो देखो मार खाना तो पड़ेगा, वरना तुम नहीं बताओगे किसी और के मुंह से पता चलेगा तब तो और तगड़ा सीन हो जाएगा ना, तेरे पापा को पता चल नहीं है तो इससे अच्छा खुद ही अपने मुंह से बता दे थोड़ा। अगर देख खुंती रखा हुआ है चमचा तो एक आध चमचा खा, नहीं चमचे से नहीं मारेंगे देख पहले पहले थोड़ा थोड़ा डांटेंगे वाटेंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे, इतना कुछ नहीं करेंगे। तुम जाओ जाके बोलो कबूल कर रहा है ना कि मैंने किया। हाँ जाओ जाके बोलो नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है इतना कुछ होगा नहीं। कौन सी गली? गली में मैं देखो, हाँ देखो गली के अंदर ना वही तो बात है ना, इसलिए मुझे गली के अंदर जाने में डर लग रहा है। हाँ और तुम्हें पता है यहाँ पे हर गली गली में कुत्ते होते हैं, इसलिए मुझे गली के अंदर जाने में डर लग रहा है। और गोलू नहीं मिलने का भाई, नहीं मिलने का, मैं तो ये बोलो ना नहीं मिलने। जो चोरी करने वाला होता है ना वो तुम्हारे सामने ऐसे खोल के नहीं रखेगा कि ये लो भाई मैंने सामने रख के रखा है तुम आके ले जाओ। हाँ प्रॉपर तरीके से, या तो अब तक बिक भी चुकी होगी कबाड़ी की, हाँ बिक भी चुकी होगी, तुम्हारे लिए बैठे ही रहेंगे। तो भाई तुमने गलती की है तो खर्चा पानी तो खाओगे ही, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने तुम्हें इतना समझाया, अब बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो अब तो भुगतना पड़ेगा। टॉय वाली साइकिल नहीं कोई है जो तेरे को नहीं मारेंगे, तूने की रियल साइकिल कोई है। चल जो भी है चलो वो सब छोड़ो, पापा को जाके बोलो, नमन भी तेरी हेल्प कर देगा बोलने में थोड़ी। बहुत ही गंदा पिटोगे और सबके सामने पिटोगे तो वो अच्छा लगेगा, या फिर अकेले में पिटोगे तो वो अच्छा लगेगा। अकेले में पिट लो सबसे बेटर, हम लोग शटर लगा देंगे तो पिटता रहियो अंदर मौज काटियो। नहीं था ये देखो ये क्या बोल रही है, जब ये बाहर आई थी तब भी ये साइकिल नहीं था, मतलब बेटा वो बहुत पहले का गायब हो चुका है। और सुन मैं जब फ्रूटी लेने गया था तब भी तो मैंने देखा नहीं था बाहर, मतलब मैंने मतलब जैसे अगर साइकिल बाहर खड़ी रहती तो मुझे नोटिस होता ना, मैंने मुझे नोटिस ही नहीं हुआ। तेरी साइकिल बहुत देर पहले चोरी हो गई, जब तू रख के गया ना तभी हो गई, तभी गायब हो गया वो, तू रख के अंदर आया ना तभी हो गई। गली में अगर तुम्हें लग रहा है कि गली से किसी ने जाते हुए ले जाते हुए देखा है तो जाके एक बार गली से पूछ लो, जो चौमिन वाले हैं उनसे जाके एक बार पूछ लो, जाओ पूछ। गोलू क्या हुआ, डर रहा है? अबे डर क्यों लग रहा है तुझको, अबे पागल। नहीं देखा, किसी से नहीं पूछ सकते हो भाई, देख रहे हो पूरा सुनसान है, धूप में कोई रहता थोड़ी ना है, देख रहे हो पूरी सुनसान पड़ी हुई है, कहाँ ही पूछोगे कहाँ ही पूछोगे। देखो कोई भी दिख रहा है तुम्हें? एक भी इंसान दिख रहा है? दोपहर के टाइम और रात के 12-1 बजे के बाद ही चोरी होती है, क्योंकि उसी टाइम ही लोगों को एकदम खाली मिलता है, सुनसान मिलता है। जाओ अब सबसे बढ़िया जाओ, पापा को जाके बोलो अब कोई और उपाय नहीं है, जा जा जाओ, नमन के साथ जा, नमन लेके जा रहा है तुझे, जा पता चल जाएगा बाद में पता चलेगा बेटा, और पिटोगे पेट में मुक्के पड़ेंगे, चल जा 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 जल्दी जा जा ना, आप भी चलो, नमन नहीं जाएगा, पागल है क्या, मैं नहीं जा रहा, जाओ जाओ वो नमन जा रहा है तुम्हारे साथ, जाओ फटाफट जा जा ना, गोलू समझे कर, जा 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 ले जा इसको, जा जाओ फटाफट और जाके बोलो। आ गया भाग के, तू भाग के आ गया, वो कहाँ है गोलू, कहाँ है गोलू, कहाँ है, इधर आ, तू उसको लेके जाके छोड़ के आ गया, तूने बोल दिया क्या, बोला तूने कुछ बोला? जब मम्मी को बुला, मम्मी को बोल दे तो बुलाएगा तभी तो आएगी ना, तो बाद में जाके बुलाएगा ना। हाँ यहाँ पे बैठा है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ये लोग बुलाएंगे, मेरे नौकर करो, तुम जाके बुलाओ, मतलब तू बुलाने गया मम्मी को तो क्या बोलते है मम्मी? बोल रहे कि यहीं बोल, यहीं बोल, यहीं बोल, यहाँ नहीं आ रही। तो मैंने बोल हल्के से बोला कुछ नहीं गया, मैंने कुछ, तूने बोला था कि चोरी हो गई, मैंने बोला साइकिल चोरी, बात 3 साल बाद बोल रहा, गुस्सा आ गया, बोल दिया साइकिल चोरी, सुनाई नहीं दिया मैंने कुछ। अच्छा तुमने बोला पर मम्मी को सुनाई नहीं दिया, अब तुम पापा के सामने तेज की बोल भी नहीं सकते, पापा को, पापा के सामने तेज की नहीं बोल सकते, वरना पापा तो सीधा साइड से ही आएगा पटाक। चीयर्स गोलू की पिटनी की खुशी में। चलेगा।
चलेगा। मुझे एक आइडिया है, तुम सबसे बढ़िया ये करो, जाके ठाम्मा को बोलो, दादी को बोलो, और दादी संभाल लेगी। दादी को बहुत प्यार से समझाना, दादी फिर तुम्हारे मम्मी और पापा को दोनों को समझा। नहीं नहीं, मैं भी रहूंगा ना तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मैं भी रहूंगा ना तुम्हारे साथ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी रहूंगा। हाँ, मैं भी समझाऊंगा। तो तुम्हारे जो दादी है वो फिर मम्मी और पापा दोनों को हैंडल कर लेगी तुम्हारे। सबसे बढ़िया दादी को जाके बोलते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी आ रही नहीं है और तुम पापा को डायरेक्ट बोल नहीं सकते। यस ठाम्मा, वी वांट टू शेयर यू समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना टुनटुना बंद करो। एक इम्पोर्टेंट चीज हम शेयर करना चाहते हैं आपसे, और हम चाहते हैं कि आप वो हैंडल कर लो। गोलू तू बोल दे, फिर मैं बोलता हूँ। तू बोल पहले। पता नहीं, ये घर बाहर रख सी लो, घर के बाहर रख रखा था, उनके गायब। तो आज दुपोरे। मुझे गई थी। हाँ, हमने सब ढूंढ ढांड के देख लिया, पूरा कॉलोनी घूम घाम के देख लिया, कहीं मिला नहीं। तो हम इसलिए तुम्हारे पास आया, ताकि तुम हैंडल करो इस चीज को। तो शामला हो ना तुम्हें। तुम हैंडल करो, तुम थोड़ा हैंडल कर लो इस चीज को। तुम अगर बोलोगे तो थोड़ा नहीं, तुम अगर थोड़ा प्यार से बोलोगे तो मार देंगे। मुक्ता नहीं ना, मुक्ता नहीं बरुद देवंदी है। क्या ना, अभी कहते जाबो चिंता करती सावर ट्रेन के लिए वो नहीं बीतर लिए थी। মেলা দূর যায়নি, কলোনির মধ্যে কোয়ানে আছে না, বেচা খাচা হয়ে গেছে হবে। আর তুই চুকা তাও রায় মন্তর বেচা বেচা হয়ে গেছে, কাবাডির দোকানে ব্যস্ত আর কোয়ানে ব্যস্ত। আরে হম সব ঢুন রান কে আ গে। फोन करके बोलने जा रही है चाचा को, भाई दादी मिलाने वाली है, मिलाने वाली है। अब तो गोलू की हालत होने वाली है टैंट फेस, टैंट फेस। अब तो गोलू लुढ़कने वाला है। दाड़ा बतो, अरे दाड़ा दाड़ा दाड़ो, काटो काटो, क्या लो दाड़ा बतो, अरे दाड़ा दाड़ा दाड़ो, अरे दाड़ो, अरे दाड़ो तो हमने कथा तो सुनो आगे, দাঁড়াও, আরে কথা শোনো, আরে আরে আগে কথা তো শুনবা ভাই। দাদি ভি এক সিন, আরে আমি করছি, দাঁড়াও, আরে দাঁড়াও, আরে দাঁড়াও, আরে দাঁড়াও, আরে আগে লাগাই, দাঁড়াও না, আমি করছি, লাগাই না। আরে তুই আমার মোবাইল দে, তো তোর কত দাম হচ্ছে তাই কর দে। আরে হারাই নাই সাইকেল, না তুই মজাক করতেছিস, তুই দে। আরে মজাক কর রহা হুঁ, নেই খোয়া সাইকেল, মোবাইল তো দে। আরে সাইকেল নেই খোয়া, ठीक कुछ नहीं खोया, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं खोया साइकिल, मजाक। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई ये तो सीरियस हो गई, भाई ये तो सीरियस हो गई भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अभी चले जाती वो नीचे, सीधा फोन मिला रही थी, खतरनाक सीन हो जाता अभी। अरे नहीं, मजाक था, मजाक था, अरे मजाक। अरे देखो मैं रियलिटी बताता हूँ। अरे अभी सत्य कथा कुछ दड़ाओ, अरे रुक जाओ, था तो सुनो, अरे हमारे कथा तो सुनो भाई। अरे मेरी बात सुनो, रोक 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 रोक, अरे मजाक मजाक सुनो, अरे मजाक, अरे अरे सुनो, अरे भाई, अरे अमर को आगे आगे जाओ, अमर आगे दाड़ाओ, दाड़ाओ, अरे देखो अमर को सुनो आगे ना, दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओ, सारे यहाँ पे आओ, सारे यहाँ पे आओ, सारे यहाँ पे आओ, सारे यहाँ पे आओ, सबका फेस क्लियरली दिखना चाहिए। अरे सुनो इधर देखो, अरे रिएक्शन सुनो, मैं मजाक कर रहा था, गोलू की साइकिल है ट्यूशन में, मैंने छुपाई थी, मैंने छुपाई, सच में ओ मैंने तो छुपाई है, मैंने तो छुपाई।
क्योंकि मैंने इसको इतने बार मना किया कि साइकिल मत लेके जाएगा नीचे, मैंने ये सबक सिखाने के लिए, मैंने ये सबक सिखाने के लिए किया तुझे। और भाई अभी मैं तो डर गया था एक टाइम के लिए जब दादी ने फोन मिला दिया था तेरे पापा को, डेली मैं टूशन छुपा के आया था, मैं जब फ्रूटी लेने गया था ना मैं तभी छुपा के आया था तेरा साइकिल, हाँ कुंडी उंडी सब लगा के आया था। और ये बहुत तगड़ा प्रैंक हो गया भाई तो। और अब कभी नीचे साइकिल मत लेके जाइयो, ये तो ये सबक सिखाने के लिए था, ये तो ये सबक सिखाया मैंने। चलो अब ट्यूशन चलते, कितना तगड़ा प्रैंक था ना, हद गंदा प्रैंक भाई, हद गंदा प्रैंक, सूख गया भाई। प्रैंक में यही होता है, सीरियस बी सीरियस, हमेशा सीरियस रहना पड़ता है, सीरियस भाई। देखा मेरी एक्टिंग कितनी तगड़ी थी ना, तगड़ी एक्टिंग। और भाई ये अब इतना खुश देख रहा है मेरी एक्टिंग कितनी तगड़ी थी ना, देखा देखा। और ये जो इस सुन इस चीज की प्लानिंग ना मैं पिछले एक दो दिन से कर रहा था, और मेरे साथ आयुष भी मिला हुआ है, आयुष मेरे साथ मिला हुआ है, पूछ लियो आयुष से पूछ लियो। चलो भाई आ गए हैं अब गोलू की साइकिल, लाइट जला देख रहा है वो ऐसा। डराने का मकसद ही था मेरा मेन मकसद डराने का ही था तुमको, मैंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि तुम्हें डर लगे और मैं सक्सेसफुल हो गया। यस मैंने ऐसा किया ना कि तुम्हारा मतलब मैं फुल एकदम रियल वाला मतलब रिएक्शन देखना चाहता था तुम्हारा और लाना चाहता था वीडियो में, फुल रियल अंदर हो रहा था ना, मैं वो तेरे फेस पे दिख रहा था थोड़ा, पर मैं चाहता तेरे आंख से आंसू निकले, कंटेंट भी तो चाहिए होता है। पर जो भी हो गोलू मतलब सच सच बताइए तुझे कैसा लग रहा था, मतलब तुझे आज क्या लगा कि मेरी आज दुनिया खत्म हो गई कुछ ऐसा। साइकिल को निकालते हैं बाहर, चल चलो निकाल बाहर, निकाल लेगा सीढ़ी से, उतार उतार उतार, ये तोड़ दी साइकिल, ले गया टूट गई पीछे से। ये मेरा स्टाइल है यार, मैं कंटेंट किंग हूँ, कंटेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटा। गाइज इनके साथ यार बहुत तगड़ा सीन कर दिया मैंने, तो उसको रिकवर तो करना पड़ेगा, तो रिकवर करने के लिए अभी फिलहाल चलते इनको कुछ ट्रीट दे के लाते, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय। मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो तू मुंह मत घुसड़ कैमरे के अंदर, नंबर वहां से भी तो आ सकते तुम लोग।